Swayam Prabha, Digital India, Educated India. विद्यार्थियों मैं डॉक्टर मनीषा गोस्वामी सहक प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा कोर्स शीर्षक विपणन प्रबंधन के पाठ्यक्रम में मैं आपका स्वागत करती हूं आज हम शुरू करने जा रहे हैं व्याख्यान संख्या नंबर 20। इसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय विपणन आइए जान लेते हैं कि आज के अध्याय में हम किन किन विषयों पर चिंतन करेंगे आज हम जानेंगे कि अंतरराष्ट्रीय विपणन प्रकृति क्या है उसकी क्षेत्र कौन कौन से हैं क्या क्या उसके महत्व है चलिए शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अर्थ से हम क्या समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय विपणन को अंतर्राष्ट्रीय विपणन का अर्थ है जब भी हम कोई भी मार्केटिंग का या विपणन का कार्य कर रहे हैं या कोई भी गतिविधि हो रही है विपणन से संबंधित वो हमारे देश के क्षेत्र से बाहर जा रही है जब हम विदेशों में कुछ विपणन कर रहे हैं कोई गतिविधियाँ कर रहे हैं जो कि विदेश में हो रही है हमारे देश में नहीं तब उसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय विपणन अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ है विभिन्न देशों से है वे विपणन के आशय उन मानवीय क्रियाओं से है जो विनिमय प्रक्रियाओं का के द्वारा आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को संतुष्ट किया किया जाता है और निर्देशित किया जाता है ऐसा विपणन एक देश की सीमाओं के बाहर किया जाता है यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय विपणन को निर्यात विपणन की संज्ञा भी दी गई है लेकिन यह निर्यात विपणन से अधिक व्यापक होता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विपणन में निर्यात विपणन के अतिरिक्त अन्य कई विपणन क्रियाओं को भी सम्मिलित किया गया है जैसे भौतिक वस्तुओं का विक्रय ग्राहकों को संतुष्ट करना सेवा उपलब्ध कराना विदेशी सहायकों की नियुक्ति करना आदि अंतर्राष्ट्रीय विपणन राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर किया जाने वाला विपणन है यानी कि हमें यह समझना होगा सिर्फ ये निर्यात या आयात से नहीं संबंधित है इसमें और भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो कि हो रही हैं जो कि यहाँ पर अर्थ में सम्मिलित हैं जैसे कि भौतिक वस्तुओं का विक्रय करना ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करना उनके लिए सेवा उपलब्ध करना विदेशी सहायकों को नियुक्त करना और ये अंतर्राष्ट्रीय विपणन सीमाओं के बाहर किए जाने वाले विपणन को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विपणन की क्या क्या विशेषताएं हैं उन पर हम नज़र डालते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर विपणन हो रहा है जब भी अगर विपणन हमारे देश की सीमाओं में हो रहा होगा तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन नहीं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ विपणन कहेंगे जब वो सीमाओं से बाहर होगा तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहेंगे जैसे ही हम अप अपनी सीमाओं को पार करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय विपणन की श्रेणी में चला जाता है बहुराष्ट्रीय प्रक्रिया कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक देश में अपनी मार्केटिंग कर रहे हों या उसका प्रचार प्रसार कर रहे हों आप बहुत सारे देशों में भी कर सकते हैं हो सकता है कि आपकी जो मार्केट की प्रेजेंस है वह अमेरिकन कंट्री में भी हो यूरोपियन कंट्री में भी हो बहुत सारे ऐसी एशियन कंट्रीज हैं उनमें भी हो तो आप बहुराष्ट्रीय अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं आप बहुत सारी देशों में अपने आप को विकसित कर सकते हैं विपणन का एक अंग है बिल्कुल सही कहा गया है कि विपणन का यह एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय विपणन एक पूरे के पूरे व्यापक मार्केटिंग का पूरे के पूरे व्यापक मार्केटिंग मैनेजमेंट का सिर्फ एक छोटा सा अंग है वस्तुओं एवं सेवाओं का विपणन है हम यहाँ पर अपनी गुड्स और सर्विसेज़ की मार्केटिंग करते हैं हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा ऐसा देश है जिसे हमारे उत्पाद में उत्पाद में रुचि है हमारे उत्पाद को वो पसंद करता है तो हम वैसे देश में अपने उत्पाद को भेजते हैं जैसे कि हमारे देश से बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर की चीज़ें एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सपोर्ट होती हैं तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्हें हमारे देश का गेहूं चाहिए जिन्हें हमारे देश का चावल चाहिए जिन्हें हमारे देश के मसाले चाहिए तो हम वो देशों को पता लगाते हैं और उन देशों में अपने सामान को बेचते हैं उसी तरीके से हमारे देश की बहुत सारी सेवाएं भी विदेश में जाती हैं जैसे कि आज की डेट में बहुत सारे बी पी ओ यहाँ पर खुले हुए हैं सब तो बहुत सारी अमेरिकन कंपनी अपने काम को आउटसोर्स कर रही हैं इंडिया के कर्मचारियों के द्वारा बहुत सारे नियम भी हैं ऐसा नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय विपणन में कोई नियम लागू कानून या नहीं लगता इसमें बहुत सारे नियम हैं जो कि बहुत कठिन और कठोर है अगर हम अपने देश में रहते हैं तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय विपणन है उसकी अपेक्षा में बहुत कठोर नियम का हमें पालन नहीं करना पड़ता जैसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन की तरफ बढ़ते हैं हमें कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है क्योंकि हमें अपने देश की सरकार और उसके कानून के साथ साथ दूसरे के देश की सरकार और उसके कानून को भी ध्यान में रखना पड़ता है राष्ट्रीय विपणन की सभी गतिविधियां हमें देखने को मिलती हैं अगर हम जानते हैं कि जितनी भी विपणन की जो गतिविधियां हम अपने देश में करते हैं वैसी ही मिलती जुलती गतिविधियां हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करते हैं समूचे व्यापार तंत्र का ये एक अंत है बिल्कुल सही कहा गया है कि पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा सिस्टम का ये एक छोटा सा पात, एक हिस्सा बन के रह गया है अंतर्राष्ट्रीय विपणन की प्रकृति इसका नेचर क्या है अंतर्राष्ट्रीय विपणन का इसकी प्रकृति क्या है तो सबसे पहली जो चीज़ आती है कि बहुराष्ट्रीय विपणन प्रबंधन है हमें ये देखना होगा कि हमें सिर्फ़ एक देश में अपनी विपणन की प्रक्रियाओं को मैनेज नहीं करना है उसका प्रबंधन नहीं करना है हमें बहुत सारे देशों में अपनी मार्केटिंग को या हमारी जो मार्केटिंग की स्किल्स हैं या फिर हमारे जो प्रचार प्रसार के तरीके हैं उनको और भी तरीके से हमें व्यापक करना होगा उस देश के हिसाब से हमें अपनी विपणन प्रक्रिया को स्थापित करना होगा हर एक देश में विशिष्ट चातुर्य की ज़रूरत है ऐसा नहीं है कि जैसा आप अपने देश में करते हैं वैसा ही विपणन की प्रक्रिया आप दूसरे देशों में भी अपना सकते हैं आपको अपनी विशिष्ट चातुर्य को यूज़ करना होगा उसके बल को यूज़ करना होगा तब जाकर आप दूसरे देश की तरीके को समझ पाएंगे और उस देश के हिसाब से आप अपनी विपणन प्रक्रिया को स्थापित कर पाएंगे संरक्षणवादी प्रकृति यानी कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हैं संरक्षणवादी प्रकृति आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपकी विपणन प्रकृति की वजह से किसी भी कंपनी को कोई नुकसान हो आप ये नहीं चाहोगे कि आपके उपभोक्ता को गलत मैसेज कन्वे हो आप ये चाहोगे कि आपका जो भी मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं बिल्कुल सही सही उपभोक्ता तक पहुंचे और उपभोक्ता उसका सही अर्थ निकाले उपभोक्ता समझ पाए कि, कि किस कारण से सही उत्पाद का उत्पादन हुआ है और ये मेरी किस नीड को फुलफ़िल करता है मेरी किस ज़रूरत को पूरा करता है तो इस तरीके से आप संरक्षणवादी प्रगति बनाते हुए बड़े सोच विचार के साथ बहुत ठोक ठोक बजा आप अपना विपणन को करते हैं राजनीतिक प्रवृत्ति राजनीतिक प्रवृत्ति का अर्थ है कि आप कानून जो दूसरे देश के हैं उनको भी समझते हैं उनको पढ़ते हैं उसके लिए लीगल एडवाइज़र को भी आप हायर करते हैं उनसे जानकारी लेते हैं कि इस देश के क्या कानून है हमारे देश के कानून में उस देश के कानून में क्या अंतर है और दोनों की तालमेल बनाते हुए आप अपनी विपणन प्रकृति को या विपणन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चालू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतियोगिता बिल्कुल सही कहा गया है कि अगर आप अपने देश में विपणन कर रहे हैं अपने देश में आप कंपटीशन में या प्रतियोगियों के साथ में आपका प्रतिद्वंद चल रहा है हर रोज़ आपके बहुत सारे जोखिमों को आपको सामना करना पड़ रहा है जबकि आप अपने सिर्फ अपने देश में हैं और जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं तो आपके प्रतिद्वंदी के जो मात्रा है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है अप अपेक्षा अपने देश के होने के जब आप अपने अपने देश की अपेक्षा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं तब तो आप देखते हैं कि प्रतिद्वंदी आपके बहुत बढ़ गए हैं बहुत सारे जोखिम सामने आते हैं बहुत सारे ऐसे आपके सामने बहुत सारे अवसर भी आ सकते हैं मगर आपको क्या देखना है कि कड़ी प्रतियोगिता कड़ी प्रतियोगिता का अर्थ है कि जब हम अपने देश में प्रतियोग अपने देश में विपणन करते हैं तो हमारे सामने कम प्रतियोगी हैं हमारे सामने कम प्रतिद्वंदी हैं जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रतिद्वंदी हमारे सामने हैं तो हमारे सामने बहुत कड़ी चुनौती बन जाती है बहुत सारे जोखिम हमारे सामने आते हैं बहुत सारे अवसर हमारे सामने आते हैं उनके लिए हमें बहुत सचेत होना होगा और उन सबका ढंग से विश्लेषण करते हुए सही रणनीति का हमें उपयोग करना होगा जोखिम की अधिकता बढ़ जाती है जब आप अपने देश में हैं आपके पास कम जोखिम होते हैं जब आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं तो आपके जोखिम जोखिमों की मात्रा जो है वो बहुत बढ़ जाती है तो आपको क्या चाहिए आपको चाहिए आपको कि आपके साथ में कुछ विशेषज्ञ आपके आपके साथ में जुड़े अच्छे आपके साथ में में जुड़े जुड़े अच्छे कर्मचारी आपको आपको हर एक मार्केट के बारे में सही जानकारी हो उसके लिए आपको अनुसंधान भी करना चाहिए ताकि आप पहले से जोखिमों का अंदाजा लगा सके पहले से पता लगा सके कि क्या क्या मार्केट में अच्छे अवसर आने वाले हैं क्या खतरे आने वाले हैं उनका पहले से आपको ज्ञान हो अगर आपको पहले से उनके ज्ञान नहीं होगा यह जरूर है कि आपको उनका उनका बुरी तरीके से आपको उनका सामना करना पड़ेगा और हो सकता है आपके लाभ पर उसका असर आए साख अभिमुखी यानी कि क्रेडिट ओरिएंटेशन साख मुखी यानी कि आप जब भी जब भी आप किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहते हैं तो आप आपका जो फोकस रहता है जो मेन ध्यान रहता है वो किस तरफ केंद्रित होता है क्रेडिट की तरफ रहता है कि किस तरीके से हम इसमें पैसा लेकर आएंगे कहाँ से हम फंड को रेज़ करेंगे तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो हमारे लिए बहुत अधिक मात्रा में क्रेडिट की या कैपिटल की हमें ज़रूरत होती है इसकी अपेक्षा हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से हम इस फंड को मैनेज करेंगे पैसा जुटाना एक बार को आसान है बट उसका किस तरीके से हम यूज यूटिलाइजेशन करेंगे उस फंड का हम कैसे यूसेज करेंगे उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए अगर हमने उस पर अच्छे से प्रबंधन किया है हमने इस बात का प्रबंधन ढंग से कर रखा है कि किस तरीके से जो हमने पैसा बाजार से उठाया उसका हम किस तरीके से यूज करेंगे किस तरीके से काम में लेकर आएंगे तो जो आपके पास में भले ही कम पैसा आप मार्केट से उठा पाए हो मगर आप उसका सही उपयोग करते हुए सदुपयोग करते हुए आप उसका उससे ज्यादा लाभ उठा पाएंगे कई दफा यह देखने को मिला है बड़ी बड़ी कंपनियों को ज्यादा पैसा मिल जाता है और बड़ी आसानी से वो बाजार से पैसा उठा लेती हैं क्योंकि उनकी मार्केट में काफ़ी प्रतिष्ठा होती है उस प्रतिष्ठा के बल पर जब वो पैसा बाजार से उठा लेती हैं तो कई दफा ये भी देखने को आया है कि वो पैसे का सही उपयोग या सदुपयोग नहीं कर पाए और जिसकी वजह से कंपनियों को नुकसान का सामना करना पड़ा तो कंपनियां जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ती हैं तब उन्हें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम पैसा बाजार से उठा तो लेंगे मगर उस पैसे का सदुपयोग कैसे करना है उसकी भी उन्हें विशेष जानकारी होनी चाहिए अभिन्न कानून तथा मुद्रिका प्रणाली हर एक देश की अपना कानून है हर एक देश की अपनी मुद्रिका प्रणाली है हर देश में देख कि हर देश की अपनी मॉनेटरी पॉलिसी देखने को मिली है हर देश का अपना लीगल इन्वायरमेंट देखने को मिला है मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे कि हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट रेट के घटने बढ़ने से लोगों के व्यवहार में अंतर आता है बैंक रेट के घटने बढ़ने से लोगों के व्यवहार में अंतर आता है लोगों से मेरा तात्पर्य है व्यापारियों के दिमाग में व्यापारियों के लिए अंतर आता है क्योंकि जो कॉमर्शल बैंक हैं कॉमर्शल बैंक के लिए बहुत समस्या हो जाती है आइए अब समझते हैं विभिन्न कानून और मुद्रिका प्रणाली क्या है हर एक देश के अपना कानून है हर एक देश की अपनी मुद्रिका प्रणाली है जिसके दायरे में रहते हुए हमें अपनी विपणन नीतियों को या विपणन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चालू करना चाहिए अगर हम इन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो हो सकता है कि हमें भारी ये नुकसान का सामना करना पड़े हो सकता है कि सरकार हमें हमेशा के लिए उस देश में आने से बैन कर दे उस देश की सरकार ये भी हो सकता है कि अगर आपने सही तरीके से कानून का पालन ना करते हुए प्रणाली को अपनी विपणन प्रणाली को वहाँ पर चालू करने की कोशिश करी तो सरकार के साथ साथ वहाँ के लोगों में भी आक्रोश को आपको सामना करना पड़ सकता है जैसे कि बहुत जगहों पे हमने देखा कि आप अगर हम अमेज़ॉन कंपनी की बात करें तो अमेज़ॉन कंपनी ने जब हमारे देश में सामान बेचना शुरू किया तो उसने हमारे देश के संस्कृति और कल्चर को पूरी रिस्पेक्ट दी मगर कहीं ना कहीं जब उन्होंने हमारे देश के झंडे को गलत तरीके से उसका उपयोग किया गलत सामानों पर उसका फोटो को प्रिंट करने की कोशिश करी तो हमारे देश की सरकार ने भी उसका विरोध किया तो हमें यह देखना होगा उस देश का क्या कानून है उस देश के कानून के साथ साथ हमें उस देश की संस्कृति को भी समझना होगा हमें देखना होगा सेंट्रल बैंक ने कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी बना रखी है उस मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से आपको अपनी कमर्शियल बैंक्स के साथ में डीलिंग करनी होगी एग्रीमेंट्स करने होंगे आप किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ना ही आप अपने देश के कानून को उनके ऊपर थोप सकते हैं आपको जिस देश में आप जाएंगे उस देश के हिसाब से उस देश के कानून के हिसाब से उस देश की मुद्रिका प्रणाली के हिसाब से आपको अपने आप को ढालना होगा और अगर आपको उसकी समझ नहीं है तो उस देश के लीगल एडवाइज़र को आपको ज़रूर हायर करना चाहिए ताकि वो आपको पूरी समझ दे सके कि उनके देश का क्या कानून है क्या कायदा है किस तरीके से मुद्रिका प्रणाली का, का काम किया होता है हो उस देश में आगे बढ़ते हैं समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय विपणन की आवश्यकता अथवा महत्व राष्ट्र के दृष्टिकोण से क्या क्या लाभ है हमें अंतर्राष्ट्रीय विपणन करना क्यों ज़रूरी है उससे हमारे देश को क्या लाभ होता है हमारे देश की जो सरकार है वो क्यों चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करें तो ये हमारे राष्ट्र को उससे क्या फ़ायदा है चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं सबसे पहला अतिरिक्त माल का निर्यात तथा आवश्यक माल का आयात यानी कि जो हमारे पास में सरप्लस एक्सपोर्ट सरप्लस सामान है जो हमारे पास एक्स्ट्रा सामान है जैसे हम बोलें कि खाद्य खाद्य पदार्थ की चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर हमारी कमोडिटी है जो हम प्रोडक्शन करते हैं कई बार वो बहुत ज़्यादा सरप्लस क्वान्टिटी में हो जाता है कई बार वो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में हमारे पास बच जाता है तो जो एक्स्ट्रा सामान है उसको हमें क्या करना चाहिए अपने देश से दूसरे देश में जहाँ पर उसकी ज़रूरत है वहाँ पर उसको बेच देना चाहिए तो उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट जो हमारा अतिरिक्त माल है जो हमारा एक्स्ट्रा सामान है उसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और जो हमारे देश में नहीं है हम उसको उसकी पैदावार नहीं कर सकते हैं हमारे पास उस चीज़ की कमी है तो हमें उस देश से वो दूसरे देशों से पता करके उस देश से उस सामान को खरीद लेना चाहिए यानी कि राष्ट्र के दृष्टिकोण से ये बड़ी लाभकारी बात है कि अगर हमारे देश में कोई भी पैदावार किसी भी चीज़ का अगर हम पैदा उत्पादन कर रहे हैं या कोई चीज़ पैदा हो रही है तो उसको हम अगर देखते हैं कि अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है तो हम एक्स्ट्रा चीज़ों को विदेश में उनकी उपभोक्ताओं की जरूरत के हिसाब से वहाँ पर हम उसका निर्यात कर सकते हैं और जो सामान हमारे पास नहीं है उसका हम आयात कर सकते हैं जब हम निर्यात करते हैं तो हमारे देश में फ़ौरन करेंसी आती है और जब हम आयात करते हैं तो हमारे देश से फ़ौरन करेंसी जाती है इसीलिए सरकार ये चाहती है कि निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉर करेंसी यानी कि विदेशी मुद्रा हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा आए और आयात कम से कम हो ताकि हमारे देश से कम से कम विदेशी मुद्रा बाहर जाए इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट भी बनाया है जिसमें कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे देश में हो क्यों हमें बाहर से सामान खरीदना पड़े जब तक वह एक ऐसा सामान हो जो हम खरीद ही नहीं सकते या हम बना ही नहीं सकते क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसे सपोर्ट नहीं करता है तब तक हमें बाहर से आयात नहीं करना चाहिए दूसरा श्रेष्ठ जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ जीवन स्तर हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे जब हमारे हमारे पास श्रेष्ठ चीज़ें होंगी जब हमारे पास श्रेष्ठ तरीके होंगे जीवन को जीने के तो हमें कई बार हमें ये महसूस होता है कि बहुत सारे जो और... प्रौद्योगिकरण है या फिर जो हमारे देश में तकनीकियों का विकास हो रहा है वो विदेशों से आ रहा है विदेशी कंपनियां विदेशी देश बहुत हद तक इस तकनीकियों में आगे हैं प्रौद्योगिकीकरण में बहुत आगे हैं तो हमारा देश उनसे सीख रहा है और उनसे सीख के हमारे देश में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों का निर्यात भी होने लगा है अब हमारे भी देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनने लगी हैं जो कि हम बाहर विदेश में एक्सपोर्ट करने लगे हैं और हम आयात भी करते हैं उससे हमारे देश के लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं रोज़गार मिलता है रोजगार मिलने से उनके पास पैसा आता है और पैसा आने से उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है परचेजिंग पावर बढ़ने से वो जरूरत के सामान खरीद पाते हैं और अपना लिविंग स्टैंडर्ड को वो इंप्रूव कर पाते हैं यानी श्रेष्ठ जीवन स्तर को वो प्राप्त कर पाते हैं जब उनके पास रोजगार होता है विदेशी बाज़ारों में बढ़ोतरी विदेशी बाज़ारों की बढ़ोतरी होने से फ़ायदा ये है कि हम जब अपने देश की कंपनी हमारे देश की कंपनियां जब विदेश जाती हैं जो विदेश जाकर वो वहाँ के माहौल को देखती हैं समझती हैं वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टडी करती हैं वहाँ के कल्चर को स्टडी करती हैं वहाँ का काम करने की प्रणाली को समझती हैं वहाँ पर लोग कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं उसे समझती हैं और फिर वो समझ को लेकर के अपने देश में वापस आते हैं और उस प्रक्रिया को यहाँ पर भी लागू करते हैं उससे हमारे देश का भी डेवलपमेंट होता है है और हमारे देश के लोगों को लगता है कि विदेशी कंपनियां जिस तरीके से जिस स्पीड से हमारे देश में आ रही हैं और हमारे देश के लोग भी चाहते हैं कि हम एमएनसी में काम करें ना कि हमें किसी डोमेस्टिक कंपनी में काम नहीं करना है क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी में इतना पैसा नहीं है या फिर डोमेस्टिक कंपनी का जो मालिक है वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो बहुत सारे हमारे देश के जो युवा हैं वो एम की तरफ भाग रहे हैं वो एमएनसी की तरफ दौड़ रहे हैं विदेशी कंपनियों की तरफ दौड़ रहे हैं वहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा उसमें उम्मीद लगती है कि हमारा उसमें ज्यादा प्रमोशन होगा हमारा ज्यादा उसमें बढ़ोतरी होगी तो इस तरीके की जो प्रतिस्पर्धा हमारे देश की कंपनियों विदेशियों कंपनियों में हो रही है उससे हमारे देश का जो युवा है हमारे देश के जो लोग हैं उन्हें फायदा हो रहा है और जब हमारे देश के लोगों को फायदा होगा तो राष्ट्र का फायदा अपने आप ही उसमें होगा आर्थिक प्रगति में सहायता बहुत ज़ाहिर सी बात है जब हमारे युवाओं के पास ऑप्शन होगा नौकरी करने का जब हमारे पास युवाओं के पास में बहुत सारे आयाम होंगे जिन पर वो अपना जहां पर वो जाकर अपना बिजनेस कर सकते हैं या फिर वो नौकरी कर सकते हैं तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति में क्या होगा सुधार होगा पहली एक चीज़ हमारे युवाओं को नौकरी मिल रही है रोज़गार मिल रहा है तो उनकी आर्थिक हमारे देश की वो आर्थिक स्थिति में अपना योगदान दे रहे हैं इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो सामान खरीद रहे हैं फिर टैक्स जा रहा है तो इस तरीके से हमारे सर सरकार के पास में फंड कलेक्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू सरकार हमारी रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है एक तो ये तरीका है दूसरा तरीका है जब हम बहुत हमारा जो अधिक मात्रा में निर्या अधिक मात्रा में जो उत्पादन हो रहा है उसका हम निर्यात कर रहे हैं उस निर्यात करने से हमारे पास में विदेशी मुद्रा आ रही है विदेशी मुद्रा आने से फिर से हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या हो रही है वो सुधर रही है हमारे देश की कंपनियां विदेश जा रही हैं विदेश में जाकर वो काम कर रही हैं वहाँ से पैसा कमा कर हमारे देश में वापस आ रहा है तो फिर से हमारे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है तीसरा हमारे देश की कंपनी हमारे देश की जो कंपनियाँ हैं अगर उन्हें किसी चीज़ की कमी है वो चीज़ नहीं हमारे देश में उपलब्ध नहीं हो सकती है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है तो उनका हम आयात करके करके अपने देश में दोबारा से उनको करके, यहां पर उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उससे भी हमारे देश की आर्थिक स्थिति को क्या हो रहा है सुधार हो रहा है प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पादों में सुधार जिस प्रकार बेरोजगारी और अच्छी व्यवस्था देने का कारक बन गई है विदेशी कंपनियां विदेशी कंपनियां जिस स्पीड से हमारे देश में आ रही हैं हमारी सरकार ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं विदेशी लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की वो बहुत हद तक उन्होंने नर्म कर दी हैं बहुत लिबरलाइज पॉलिसीज़ बना दी हैं ताकि विदेशी लोग आसानी से हमारे देश में आकर अपना बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकें उससे एक तो फ़ायदा ये हुआ कि रोज़गार बढ़े उससे ये फ़ायदा हुआ कि हमारे देश के लोगों को अच्छी व्यवस्था मिलने लगी उस अच्छी व्यवस्था के चलते हमारी जो हमारे देश की जो कंपनियां हैं उन्होंने भी अपनी व्यवस्था को सुधारा ताकि वो उनके साथ में खड़ी हो सके साथ ही साथ जब विदेशी कंपनियां हमारे देश में आती हैं तो वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में आती हैं नई तकनीकों के साथ में आती हैं नई सोच के साथ नई रणनीति के साथ आती हैं है, तो उससे क्या होता है जो उनका उत्पादन है उसमें बहुत गुणवत्ता होती है उसके उत्पादन में जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को सीखने के लिए हमारी देश की कंपनियाँ भी जागरूक हो जाती हैं कि ये इतना गुणवत्ता वाला उत्पादन कैसे कर पा रहे हैं ये किस तरीके से अपने कहाँ से एक अच्छा सामान लेते हैं ये किस तरीके से इसकी प्रोसेसिंग करते हैं किस तरीके से ये रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए नया फाइनल वुड तैयार करते हैं जिसमें बिल्कुल भी एरर नहीं होता जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होता या डिफिशेंसी नहीं होती तो वो उनसे सीखते हैं उनको देखते हैं और उनसे सीखते हैं और अपने निर्माण में भी उस चीज़ का उस चीज़ को लागू करते हैं और अपने उत्पादन को भी वो सुधार में लाते हैं तो इस तरीके से हमारे देश की उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार आ रहा है प्रतिस्पर्धा की चलते रोजगार के अधिक अवसर हमारे देश के लोगों को मिलने लगे हैं क्योंकि अब हमारे रोज़गार के जो अधिक अवसर हैं हमारे देश के लोगों को मिलने लगे हैं क्यों मिलने लगे हैं क्योंकि हमारे देश में नंबर ऑफ कंपनी कम्पनि, विदेशी कंपनियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं तो उसके उसके चलते लोगों को अच्छे रोज़गार के अवसर लोगों को मिलने लगे हैं आयातों का भुगतान बहुत आसानी से जब हमारे पास विदेशी मुद्रा है या फिर हमारे सरकार के पास में फ़ंड कलेक्ट हो रहा है लोगों के पास रोज़गार है धीरे धीरे हमारे देश की अगर हम कहें पावर्टी कम हो रही है क्योंकि लोगों के पास अवसर है रोज़गार है तो हमारे सरकार के पास में पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा है जिससे वो आयातों का भुगतान कर सकते हैं जो भी सामान हम इम्पोर्ट करते हैं ज़रूरत का सामान जो भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको हम आसानी से उसको हम उसका जो खर्चा हो रहा है उसको हमारी सरकार आसानी से पे कर सकती है अगर सरकारी स्तर पर हो रहा है तो और अगर कंपनियां अपने निजी स्तर पर कर रही हैं तो वो भी उसे पे कर पाती हैं क्योंकि हमारे देश में बिजनेस का जो परसेंटेज है बिजनेस का जो लेवल है या स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है वो बिजनेस का स्तर कैसे बढ़ता है जब उसके उपभोक्ता बढ़ते हैं अगर उपभोक्ता नहीं होंगे तो बिजनेस का स्तर कम होगा हो बिजनेस के पास मुनाफा नहीं होगा मुनाफा नहीं होगा तो वो कैसे विदेशी सामान को खरीद खरीदने की हैसियत रख पाएगा तो बिजनेस के पास बिजनेस में अब बहुत सारे ऑप्शन डेवलप हो उनका स्तर बढ़ता जा रहा है उनका स्तर बढ़ने के पीछे सीधा सीधा कारण है कि उपभोक्ता की मांग बढ़ रही है जिसकी वजह से हमारी जो व्यापारी हैं उनका लाभ बढ़ रहा है लाभ बढ़ने से वो अपनी क्वालिटी को अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं जिसके लिए वो बाहर से विदेशी कंपनियों से सामान भी खरीद रहे हैं बहुत सारे हमारे देश में ऐसी फैक्ट्री हैं वर्कशॉप हैं जहाँ पर जापनीज़ कंपनी लगी हुई जैपनीज़ मशीनरी लगी हुई है कोरियन मशीनरी लगी हुई है तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है वो हमारा पैसा हमारे देश से के उपभोक्ताओं के द्वारा द्या, ही आ, सारे व्यापारियों के पास पहुँच रहा है प्रौद्योगिक विकास यानी कि तकनीकी विकास जैसे मैंने आपको बताया विदेशी कंपनियाँ हमारे देश में आती हैं तो वो अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं नई तकनीकों के साथ में आती हैं तो उनके आने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने भी चाहा था कि टेस्ला जैसी कंपनी हमारे देश में आए वो यहाँ पर आके इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का प्रोडक्शन करे उसके इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के प्रोडक्शन होने से हमारे देश की ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता कि किस तरीके से हमें उस स्टैंडर्ड की गाड़ियों का प्रोडक्शन करना चाहिए मगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमी होने के कारण वो एग्रीमेंट सही तरीके से नहीं चल पाया तो प्रौद्योगिक विकास के लिए हम बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने देश में आकर्षित करते हैं अपने देश में उन्हें बुलाते हैं उन्हें बहुत सारे फायदे देते हैं उनको बहुत सारे रिबेट और रिलैक्सेशन टैक्स में दिए जाते हैं ताकि वो हमारे देश की ओर आएँ और हमारा देश की जो पॉपुलेशन है वो हमेशा से लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है और जो हमारी इकोनॉमी है देश की वो सतत बढ़ती जा रही है हमारा देश जो है डेवलपिंग कंट्री में आता है और सतत इसकी जो इकोनॉमी है वो अर्थशास्त्र जो अगर हमारे देश की बात करें तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता जा रहा है बढ़ता चला जा रहा है आपातकाल में सहायक बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यानी कि अगर हम सिर्फ अपने देश की कंपनियों पर निर्भर नहीं हैं या फिर सिर्फ हमारा जो जो हमारी कमाई है वो हमारे सिर्फ देश से नहीं और भी देशों से आती है तो मान लीजिए अगर हमारे देश में अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है या फिर हमारे देश में कोई नेचुरल क्लामिटी हुई है या फिर जैसे कि अर्थक्वेक है वॉल है या फिर हम कोई कहें कोई त्रासदी uh, है जैसे कि अभी हमने देखा कोविड के टाइम पर हालाँकि हमारे देश ने बहुत अच्छे से उस कठिन समस्या का उस कठिन दौर का बहुत अच्छे से सामना किया हमारी अर्थशास्त्र जो हमारा आर्थिक स्थिति थी हमारे देश की वो इतनी ख़राब नहीं हुई मगर बहुत सारे देशों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई तो अगर हमने सिर्फ एक देश यानी कि हम अपने ही देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारी सारी की सारा जो देश हमारी जो सरकार है उसका सारा का सारा जो पैसा है वो उस सिर्फ उसके अपने देश से ही आता है तो मान लीजिए अगर इस देश में थोड़ा से भी इकोनॉमिक कंडीशन में उतार चढ़ाव हुए तो हमारा पूरी की पूरी इकोनॉमी क्या हो जाएगी गिर जाएगी बट हमें अगर और देशों में भी अपना पैसा लगा रखा है और भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ से हमारे पास अर्निंग हो रही हमारी कमाई हो रही है तो आपातकालीन स्थिति में हमें वहाँ से पैसा निकालने में हमें मदद मिलेगी प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग जिस तरीके से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं हमारे देश को कहा जाता है कि हमारा देश का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है हमारे देश में विभिन्न प्रकार के मौसम हैं विभिन्न प्रकार के मौसम होने के कारण हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि और देशों में नहीं मिलते ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो और देशों में नहीं हैं तो उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन या फिर कहें कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बाकी के देशों की कंपनीियों के आने के साथ साथ हमारे देश के लोगों को भी सीखने को मिला है कि कैसे हम अपनी चीज़ों को इफेक्ट एक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हम एग्जाम्पल दें तो जापान का एग्जाम्पल जापान जैसी कंट्री जिसके पास बिल्कुल भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है वो ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्स हमसे ही खरीदते हैं हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें और वो उन सामानों को खरीद कर उनका तकनीकी तरीके से उनका विकास करके वापस से हमें बेचते हैं तो वो देश जापान जैसी कंट्री जिसके पास खुद का अपना नेचुरल रिसोर्स नहीं है सिंगापुर जैसी कंट्री जिसके पास खुद की अपनी नेचुरल रिसोर्स यानी इनकी पानी की खुद की पानी का सो नहीं है फिर भी वो लोग डेवलप कर पा रहे हैं क्यों कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें अपने रिसोर्स जो लिमिटेड रिसोर्स हैं उनको कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करना चाहिए हमारे देश में इस चीज़ की थोड़ी सी कमी है हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हमें सही तरीके से अगर हम यूटिलाइज़ करते तो हम भी शायद डेवलप नेशन में आते बट हमने उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं किया बट आज हमारे देश के लोग विदेशी कंपनियों के द्वारा उनको किस तरीके से इफेक्टिव यूटिलाइज़ करना चाहिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं समझ रहे हैं और उसको इफेक्टिवली अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग अब हो पा रहा है निर्यात करने वाली फर्म के दृष्टिकोण से लाभ हमें क्या क्या मिलते हैं जैसे बड़े पैमाने पर उत्पादन की संभावना बढ़ती है अगर हम जितनी भी निर्यात करने वाली जितने भी फर्म हैं जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उनके अगर दृष्टिकोण से देखें तो उन्हें क्या फ़ायदा है अंतर्राष्ट्रीय विपणन से उन्हें उनका जो बड़े पैमाने में वो उत्पादन कर सकते हैं और बड़े पैमाने में उत्पादन कर कर जितना भी एक्स्ट्रा सामान उन्होंने उत्पाद उत्पादन के द्वारा बनाया है उसको वो विदेश में आसानी से बेच सकते हैं उत, और बड़े पैमाने में जब भी उत्पादन किया जाएगा तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी कम आएगी क्योंकि आप ज्यादा मात्रा में कच्चा सामान खरीदेंगे तो कि आपका जो आपूर्ति करता है वो आपको सस्ते में कम दाम में यानी सस्ते में आपको कच्चा सामान देगा क्योंकि आपने ज्यादा क्वांटिटी में उससे खरीदा है जब आपने ज्यादा सामान क्वांटिटी में खरीद के कच्चे सामान का उपयोग करेंगे आप उसकी प्रोसेसिंग करेंगे तो जो प्रोसेसिंग के दौरान जो खर्चा लगता है इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो या कर्मचारी का खर्चा हो या फिर मशीनरी की जो भी लागत लगती हो या फिर जो से आपने बिल्डिंग किराए पर ली है उसकी जो भी लागत लगती हो तो वो जब ज्यादा क्वान्टिटी के लिए हो रहा होगा तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी क्या आएगी कम आएगी जब पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी तो आपके लिए जो फाइनल प्रोडक्ट जो अंतिम प्रोडक्ट बनके तैयार होगा वो कंपैरेटिवली सस्ता होगा तो बड़े पैमाने पर उत्पादन की संभावना आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है उसे घटा देती है और आपके लिए विदेशी मार्केट को भी ओपन कर देती है जहाँ पर आप अपना एक्स्ट्रा सामान बेच सकते हैं और सरकार आपको इसके लिए सपोर्ट करती है क्योंकि सरकार को इससे विदेशी मुद्रा मिलती है उत्पाद के अप्रचलित हो जाने से बचाव मान लीजिए आपका कुछ ऐसा उत्पाद है ऐसा आपका प्रोडक्ट है जो आपके देश में ए, आ, बिल्कुल ऑप्सिलीट हो चुका है अब उसकी कोई मांग नहीं है आपके देश में अगर कोई ऐसा उत्पाद है जैसे कि अगर हम विदेशी कर, विदेशी कंपनियों की बात करें तो 5G टेक्नोलॉजी उनके लिए क्या हो चुकी है एकदम पुरानी हो चुकी है अब 5G टेक्नोलॉजी को अपने देश में तो वो नहीं चला सकते क्योंकि लोग लो आगे की आगे की टेक्नोलॉजी में मूव कर चुके हैं 5G जी टेक्नोलॉजी कहाँ के लिए सही है डेवलपिंग कंट्री के लिए उन्होंने हमारे देश में उसको ला करके बेच दिया तो यानी उत्पाद के अप्रचलित होने से आपको बचाव मिलता है अगर आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप बिजनेस करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके पास में ऑप्शन है अगर मान लीजिए आपके देश में आपके सामान की मांग घट रही है या कम होती आपको नज़र आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए विदेशी बाजार में देखना चाहिए कि कहाँ पर ये सामान एकदम नया होगा मेरे देश के लिए पुराना हो चुका है हो सकता है किसी और देश ने इसके बारे में कभी ना जाना हो सकता है वो वहां पर इतना प्रचलित इक्विपमेंट ना हो तो आप दूसरे देश को पता लगा सकते हैं और वहां पर अपना सामान बेच सकते हैं प्रोत्साहनों तो व सरकारी सहायता का लाभ उठाने के लिए भी निर्यात करना बहुत अच्छी बात है जैसे सरकार को भी बहुत खुशी मिलती है कि हमारे देश के लोग जो है व्यवसाय कर रहे हैं और व्यवसाय करने के साथ साथ वो इतना उत्पादन कर रहे हैं कि वो उनको वो निर्यात भी कर रहे हैं निर्यात करने से सरकार को बहुत लाभ मिलता है क्योंकि विदेशी मुद्रा आती है विदेशी मुद्रा आने से हमारे जो देश की आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आता है क्योंकि हमारा देश अभी भी डेफिशिट सिचुएशन में आता है जिसमें हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है इसीलिए सरकार भसक प्रयास करती है कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट घटे लाभों में वृद्धि जब हमारा निर्यात होगा तो हम ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं हम ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं और जब हम ज्यादा मात्रा में उत्पादन करते हैं जैसे कि आपको मैंने पहले पॉइंट में बताया जब तो हम ज्यादा मात्रा में उत्पादन करते हैं तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम आती है यानी हमारे प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं तो हमारी लाभों में वृद्धि होती है कच्चे माल की प्राप्ति ये भी हो सकता है कि बहुत सारा ऐसा आप काम करते हो जैसे हमारी पेट्रोलियम फैक्ट्रीज हैं या ऑयल रिफ़ाइनरीज़ हैं हमारे पास अपना खुद का क्रूड ऑयल का कोई सिस्टम नहीं है तो हम अरेबियन कंट्रीज़ या मिडल ईस्ट कंट्रीज से क्रूड ऑयल ख़रीदते हैं निर्यात करते हैं रशिया से हम खरीदते हैं तो कच्चा सामान प्राप्त करने के लिए हमें भी ये ज़रूरी है कि हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के रिलेशन में हो या फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग में हमारा कुछ संबंध हो तभी हम बाहर से सामान को खरीद पाएंगे अन्यथा हम उसके ही कमी में हमें अपना काम को करना पड़ेगा और हो सकता है कि आपके सामान की गुणवत्ता उतनी अच्छी ना हो पाए जब आप सामान बाहर से निर्यात कर लेते हैं या फिर जब आप बाहर से सामान को आयात कर लेते हैं और कच्चा माल आपके देश से आपके देश में अगर नहीं है और आप वो बाहर से आयात करके उसका प्रोडक्शन अपने देश में करते हैं तो हो सकता है कि आप अपने देश में मोनोपली में भी आ जाए आप ऐसा उत्पादन करें जो कि बाकी की कंपनियाँ नहीं कर पा रही हैं तो आप उसमें भी अपने मार्केट मार्जिन को बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिट मार्जिन को भी बढ़ा खा सकते हैं उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि जब उपभोक्ता को कुछ ऐसा सामान मिलेगा जो कि और और लोग नहीं दे पा रहे तो बड़ी जाहिर सी बात है कि उनकी संतुष्टि का जो स्तर है वो भी बढ़ता चला जाएगा और उनकी ब्रांड लॉयल्टी आपकी कंपनी की तरफ बढ़ जाएगी तो हमें ये देखना चाहिए कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय विपणन से सिर्फ राष्ट्र को फायदा नहीं हो रहा है इससे निर्यातकर्ताओं को भी फ़ायदा हो रहा है निर्यातकर्ताओं के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी फ़ायदा हो रहा है उसके साथ साथ हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी हो रहा है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से अंतरराष्ट्रीय विपणन के क्या लाभ है अंतरराष्ट्रीय सहयोग में बढ़ावा बढ़ता है क्योंकि इसमें सिर्फ आप और आपके जो व्यवसाय है उसका जो डीलिंग दूसरे व्यवसाय के साथ में नहीं है यहाँ पर दो देश की सरकार आपस में मिल रही है जब दो देश की सरकार आपस में मिलती हैं बैठती हैं बातचीत करती हैं और उससे और नए विकल्प आपके सामने खुल कर आते हैं व्यापार करने के विपणन करने के तो उससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आपके देश का और आपकी कंपनी का बाजार में बढ़ता है और उससे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है कि ये विदेशी कंपनी ये हमारी देश की कंपनी विदेशों में भी खूब जानी जाती है विदेशों के तो भोक्ता भी बहुत पसंद करते हैं तो हमारे देश के लोगों की मानसिकता पर भी एक अच्छा गहरा असर पड़ता है जो कि आपकी प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा है सांस्कृतिक संबंधों में सुधार इससे हम जब अपने देश के लोग हमारे देश की व्यवसाय हमारे देश की कंपनियां जब विदेशों में जाती हैं तो वो वहाँ की संस्कृति को सीखती हैं और जब वहाँ की संस्कृति को सीखकर वो वहाँ की संस्कृति के हिसाब से अपना सामान बनाती हैं हमारे देश में तो उससे हमारे देश की संस्कृति में भी विकास होता है हमें भी जानने को मिलता है कि दूसरे देश के लोगों की क्या सोच है उनके यहाँ पर क्या कल्चर है उनका क्या रिचुअल्स है उनके क्या ट्रेडिशन है उसे वो भी हमें जानने को मिलता है सांस्कृतिक संबंधों में सुधार होने से अपनापन बढ़ता है और आपके पास में आपके पास में एक स्कोप आता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो कोई आपातकालीन स्थिति हो आपके देश की तो दूसरे देश आपके लिए खड़े होते हैं जैसे अभी हमने कुछ समय पहले देखा था टर्की में अर्थक्वेक आया था तो हमारे देश सबसे पहले खड़ा हुआ था उनको मदद करने के लिए तो सांस्कृतिक संबंधों में भी सुधार होता है भले ही आपके आपसी संबंध अच्छे ना हों बल आपतकालीन स्थिति में हमारे देश की सरकार टर्की के लिए खड़ी हो गई थी अंतर्राष्ट्रीय शांति व तालमेल में सहायता अंतर्राष्ट्रीय शांति व तालमेल में सहायता जैसे कि अगर हमारे हमारे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमारे देश के बारे में अच्छा बोलते हैं करीबन 18 देशों ने यह सहमति जताई है कि हम इंडियन करेंसी में आईएनआर में हम ट्रांजैक्शन करने के लिए तैयार हैं डॉलर की अपेक्षा यू डॉलर की अपेक्षा इसका मतलब यह है कि हमारे जो रिश्ते हैं बाकी की कंट्रीज़ के साथ में बाकी के देशों के साथ में सुधरते जा रहे हैं हमारे जो सरकार हमारी जो सरकार है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी जो रणनीति है वो बहुत सुचारू रूप से काम आ रही है वो हमारे देश की ख्याति को पूरे दुनिया में फैला रहे हैं जिसकी वजह से हमें मदद मिलती है अगर हमारे किसी देश के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं तो उन उस, उस दौरान वो कम, वो विदेशी कंपनियां हमें मदद करती हैं उन संबंधों को मधुर बनाने में और अगर मधुर नहीं बन सकते तो एक समुचित गैप बनाए रखने में वो हमें मदद करती हैं आइए समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय विपणन के दायरे क्या हैं यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन में क्या क्या हो सकता है क्या इसके स्कोप हैं इन पर हम स्टडी करते हैं सबसे सबसे पहले हमने जाना निर्यात और आयात अंतर्राष्ट्रीय विपणन की वजह से संभव है संभव है हम ये जानते हैं कि सम समझौता अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट भी तभी संभव है जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारा विपणन हो रहा है यानी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट का अर्थ है कि हो सकता है आप दूसरी कंपनी को कोई एग्रीमेंट दे दें कि आपकी मार्केटिंग एजेंसी हो या फिर कोई ऐसी मैके जैसा फॉर्म है या बॉस्टन कंसल्ट ग्रुप है उन्हें आपने एग्री उनके साथ आपने एग्रीमेंट साइन किया और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपको वो अच्छे से मार्केटिंग इंटेलिजेंस का विश्लेषण करके दे तो ऐसे आप एग्रीमेंट तब कर सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में और वो आपके लिए विश्लेषण या मार्केटिंग इंटेलिजेंस का काम तभी करेंगी जब आपने उनके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट साइन किया है तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन होने के अंदर में कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होना या समझौता अनुबंध होना संभव है जिससे आपकी आपकी आपके व्यापार की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है ज्वाइंट वेंचर संयुक्त उद्यम यानी कि इसमें ये तरीका है जिसमें आपको अपने बिजनेस को व्यापक करना है यानी कि आपको एक नए प्रोजेक्ट लाइन में मूव करना है नए प्रोजेक्ट लाइन के लिए आप अपनी लीगल एंटिटी को बिना ख़त्म करे हुए एक नई यूनिट आप डाल सकते हैं जैसे कि मारुति सुजुकी है मारुति अकेले भी एग्जिस्ट करता है सुजुकी के साथ में भी एग्जिस्ट करता है तो ये क्या है आपस में एक ज्वाइंट वेंचर है ज्वाइंट वेंचर किसके बीच में हुआ एक हमारे देश की कंपनी मारुति और सुजुकी विदेशी कंपनी दोनों के बीच में जॉइंट दोनों यहाँ पर गाड़ियां बना रहे हैं। तो ये एक समयबद्ध है ऐसा नहीं है कि ये जीवन भर के लिए ये समयबद्ध है और समय समय पर जैसे ही वो समय आता है वो उसका रिन्यूअल करते हैं लाइसेंस का होलीवुड मैनुफेक्चरिंग यानी पूर्ण स्वामित्व वाली विनिर्माण जैसे कि अगर हिंदुस्तान यूनिलेवर की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलेवर का होली ओन सब्सिडरी है हमारे देश में यूनिलेवर नाम की विदेशी कंपनी है उसने हमारे देश में हिंदुस्तान यूनिलेवर नाम की कंपनी के साथ में यहाँ पर होली ओन सब्सिडरी ओपन करी उससे क्या होता है कि उनके पास पूरा का पूरा कंट्रोल होता है उसकी डिसीजन मेकिंग पर उसके बाद हम समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ है कि आप सारा का सारा काम खुद नहीं करते हैं आप बहुत सारे काम दूसरी कंपनियों को अपने नाम पर करने के लिए दे देते हैं आप कह देते हैं कि तुम मेरा नाम को यूज़ करो मेरे ब्रांड को यूज़ करो मेरे लेबल को यूज़ करो और प्रोडक्शन करो इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग का सबसे पहले जो प्रचार हुआ या सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो बाटा कंपनी के द्वारा हुई बाटा कंपनी स्विट्जरलैंड की शू मेकिंग कंपनी थी उन्होंने जब दुनिया भर में अपने आप को व्यापक करने के लिए अपने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अनुबद्ध विनिर्माण भी तभी संभव है जब हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन के द्वारा अपने काम को दूसरी कंपनियों से कह पा रहे हैं कि वो हमारे नाम को यूज़ करते हुए प्रोडक्शन करे उसका उत्पादन करें जैसे कि सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करी थी बाटा कंपनी ने बाटा कंपनी स्विट्ज़रलैंड बेस्ड कंपनी है शूज़ बनाती है जब वो हमारे देश में आई तब उसने हमारे देश के जो मोची हैं उनको इकट्ठा किया सारे मोचियों को इकट्ठा किया उनको ट्रेनिंग दी उनसे कहा कि हम तुम्हें सारा ज़रूरी सामान देंगे और तुम तुम्हें अब हमारे लिए प्रोडक्शन करना है हमारे लिए उत्पादन करना है हम जैसा सामान दें हम जो साइज़ बताएं हम जो डिज़ाइन बताएं उसी हिसाब से आपको सारा का सारा उत्पादन करना होगा तो अगर कोई भी कंपनी इस तरीके से काम कर रही है किसी और के लिए उसका नाम नहीं हो रहा है नाम किसका हो रहा है वो ब्रांड कंपनी का बाटा कंपनी का बट काम करने वाला कौन है हमारे देश के मोची थे उस जमाने में जब शुरुआत हुई थी इस कॉन्सेप्ट की तो उनका नाम कहीं पर भी नहीं आया था वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे थे बाटा कंपनी के उसी तरीके से बाद में फिर इसका प्रचलन बढ़ता चला गया आज की डेट में हम देखते हैं कि ज्यादातर कंपनियां जो अपनी फैक्ट्री खुद की ओपन नहीं कर सकती हैं वो छोटी छोटी जो कंपनियाँ हैं उनसे कहती हैं कि तुम हमारे लिए काम करो हम तुम्हें अपना नाम देंगे हमारे अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड है उनको ध्यान में रखते हुए आप काम करो जैसे कि पतंजलि कंपनी है पतंजलि ने अपने बिज़नेस को कितना व्यापक कर दिया अपने व्यापार को तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटी जो उद्योग थे उनको अपने ए, अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिया उनसे अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया उनके साथ में टर्म्स कंडीशन अपनी सेट करी उनको क्वालिटी अपनी बताई कि हमारा क्वालिटी के ये स्टैंडर्ड है और उनके मापदंड को ध्यान में रखते हुए उनको बार बार चेक करते हुए उन्होंने कहा कि आप हम आप उत्पादन जो करेंगे उसका जो पैकेजिंग होगी उसकी जो मार्केटिंग होगी वो पतंजलि कंपनी करेगी तो ये होता है contract manufacturing. मर्जर एंड एकशन बहुत सारी कंपनियां अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए वो समझती हैं या फिर अपनी ताकतों को देखते हुए वो समझती हैं कि मेरी ताकतों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है बहुत सारे ऐसे अफसर आते हैं जिनका हम लाभ नहीं उठा पाते हमें दिखता है कि बाज़ार में बहुत सारे जोखिम हैं जिनकी वजह से हमेशा खतरे रहते हैं तो क्यों ना अपनी ताकतों को बढ़ाया जाए क्यों ना दूसरी कंपनियों के साथ में मर्ज करके हम अपने आप को और संगठित करके और पुख्ता और स्ट्रॉन्ग बना के मार्केट में डट के मुकाबला करें सारे जोखिम और अफसरों का तो मर्जर होते हैं मर्जर में कंपनी को अपनी लीगल आइडेंटिटी यानी कि इंडिविजुअल जो उसकी खुद की आइडेंटिटी है एज अ कंपनी वो ख़त्म करनी पड़ती है जैसे कि हम एग्जाम्पल लें बहुत प्रचलित एग्जाम्पल है जैसे कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल प्रॉक्टर एक पहले एक कंपनी हुआ करती थी सेपरेट गैम्बल एक सेपरेट कंपनी हुआ करती थी दोनों ने मिलकर एक मर्जर किया जिसमें उनकी खुद की अपनी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई यानी प्रॉक्टर इंडिविजुअली नहीं एग्जिस्ट करता गैम्बल भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता अब दोनों कंपनियाँ एक साथ में हैं यानी कि लीगल आइडेंटिटी उनकी क्या हो गई अब ख़त्म हो गई तब ये क्या हो गया मर्जर हो गया मर्जर में ये ऐसा नहीं कह सकते जैसे कि हम ज्वाइंट वेंचर में देखते हैं कि समयबद्ध समयबद्ध नहीं होता ये हमेशा के लिए हो गया अगर इन लोगों में आपस में नहीं बनेगी तो ये कंपनी बंद होकर नई कंपनी उन्हें दोबारा से स्टार्ट करनी होगी या फिर उनका जो भी निर्णय होगा उन्हें वो लेना होगा जॉइंट वेंचर में हमारे पास में ये स्कोप रहता है कि मान लीजिए हमारी आपस में नहीं बनी हम साथ में काम नहीं कर पाए तो हम अकेले अकेले करेंगे जैसे कि हीरो होंडा के केस में था हीरो होंडा भी जॉइंट वेंचर में आता है हीरो और हीरो बनाती थी साइकिल होंडा विदेश में बनाती थी गाड़ियाँ हमारे देश में आकर हीरो होंडा ने बनाई मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल बनाते बनाते, बनाते उन लोगों के बीच में तकरार हुई तकरार के बाद उनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था ये जो ज्वाइंट वेंचर का जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया वो रद्द हो गया अब हीरो भी मोटरसाइकिल बनाती है और होंडा भी मोटरसाइकिल बनाती है जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट चालू था तब तक उसके अंदर में ये लिखा जाता है कि आप वो काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हम आपस में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हो जाएं। तो वो था जॉइंट वेंचर जिसमें आपकी लीगल आइडेंटिटी बरकरार रहती है आप साइकिल बना रहे हैं आप साइकिल बनाते रहते हैं होंडा वाली होंडा गाड़ियाँ बना रहे थे वो गाड़ी बनाते रहे और दोनों ने साथ में एक प्रोजेक्ट किया मोटरसाइकिल बनाने का उन्होंने मोटरसाइकिलें बनाई बीच में उन लोगों के बीच में तकरार हुई उनके उनके जो कॉन्ट्रैक्ट था जो एग्रीमेंट था उसमें ब्रीच हुआ जिसकी वजह से उनको फिर उन्होंने उसको तोड़ दिया रद्द कर दिया और सेपरेट हो गए दूसरे से अलग हो गए फिर हीरो ने अपनी मोटरसाइकिल बनानी शुरू कर दी और होंडा ने भी अपनी मोटरसाइकिल बनानी शुरू कर दी मगर मर्जर में ऐसा नहीं होता कि आपके पास वापस जाने का स्कोप नहीं होता है यानी कि एक तरीके से ऐसा है कि आपने अपना पुराना घर बेच दिया और नए घर में आप शिफ्ट हो गए और जॉइंट वेंचर एक तरीके से ऐसा है कि आपका अपने घर आपका अपना घर तो है ही है और आपने विदेश में भी एक घर ले लिया दोनों घर आपके पास हैं तो वो जॉइंट वेंचर होता है आगे बढ़ते हैं एकजिशन में मर्जर और एक्यूजिशन एक्यूजीशन का अर्थ है कि आप एक्वायर कर लेते हैं कुछ परसेंटेज ऑफ स्टेक यानी कि दूसरी कंपनी को आप खरीद लेते हैं जब हमारे देश में वोडाफोन आई थी तो उसने हच हच की जो नेटवर्क कंपनी थी हमारे देश की उसको हॉस्टाइल एक्विशन किया था उसे काफ़ी वो नहीं चाहती थी बिकना मगर उसको उसके पास कोई चारा नहीं बचा इसलिए अपने उसने सरेंडर कर दिया वोडाफोन के सामने और वोडाफोन ने उसे हॉस्टाइल तरीके से एक्वायर कर लिया था और वहाँ उसके जो कर्मचारी थे उसको भी उन्होंने निकाल दिया था नए तरीके से उन्होंने कर्मचारियों की नियुक्ति करी थी उसे बोलते हैं एक्यूजिशन एक्यूजिशन हॉस्टाइल भी हो सकता है और फ्रेंडली भी हो सकता है बहुत सारे जगह पर हमने देखा टाटा की कंपनियों ने बहुत सारे एक्यूजीशन किए जैसे लैंड्रोवर जेग्वार का एकज़िशन हुआ माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया का एकजीशन किया ब्लैकबेरी का एक्यूजीशन किया गया फाइनेंशियल फेयरफेक्स टोरेंटो बेस्ड कंपनी के द्वारा जो ऐसे हमारे देश में बहुत सारे एक्यूजिशन है जो हमें दिखता है कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही है या फिर हमें लगता है कि हमारी कंपनी अब डूबने वाली है इससे पहले ही पूर्ण डूब जाए और उसका कोई हमें पैसा ना मिल पाए लोग अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और कंपनी से कहते हैं कि आप हमें खरीद लें जैसे वो व्हाट्सएप के केस में व्हाट्सएप को खरीद लिया फेसबुक ने क्योंकि फेसबुक को डर था कि व्हाट्सएप बहुत बड़ा ज्वाइंट बंद के सामने खड़ा हो जाएगा फेसबुक के लिए बहुत बड़ा प्रतिस्पर्धी हो जाएगा तो उन्होंने इसे खरीद लिया दूसरा आता है स्ट्रैटेजिक अलायंस स्ट्रैटेजिक अलायंस का अर्थ है रणनीतिक गठबंधन बहुत सारी कंपनियों को जब जोग्रफिकल एक्सपेंशन करना होता है यानी अपने देश से दूसरे देश में जाना होता है तो उन्हें बहुत सारे इस तरीके के रणनीतिक गठबंधन करने पड़ते हैं क्योंकि विदेश में जाकर कोई मुझे नहीं जानता जैसे अगर बहुत सारी कंपनी हमारे देश में आई जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप ए के नाम से आई हमारे देश में थी तब तो उसे कोई नहीं जानता था और इंश्योरेंस कंपनी जैसी कंपनी में तो कोई पैसा भी नहीं लगाता क्योंकि इसमें शुरुआत में आपको पैसा देना है और लोगों को लगता कि ऐसी अमेरिकन कंपनी को या अमेरिकन लोगों को हम पैसा क्यों दें जब हमें क्लेम का टाइम आएगा तो ये लोग भाग भी जाएंगे तो लोगों को उन पर विश्वास नहीं बनता तो उन ऐसी कंपनियाँ क्या करती हैं अपने आप को वहाँ की उस देश की रिनाउंड कंपनी के साथ में जो बहुत जानी मानी प्रतिष्ठित व्यवसाय है कंपनियाँ हैं उनके साथ अपने नाम को जोड़ लेती हैं तो AIG American Insurance अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप ने टाटा के साथ अपने नाम को जोड़ा टाटा के साथ में एग्रीमेंट किया strategic alliance किया और कहा कि टाटा कंपनी के नाम के अंदर, यानी कि उसकी ब्रांड वैल्यू के अंडर में उन्होंने इंश्योरेंस के काम को किया और टाटा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसको अपना नाम देने में अपनी बिकॉज उसको उसके बिहाफ पर उसे रॉयल्टी मिलेगी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उनका कोई इंश्योरेंस सेक्टर में पहले से कोई बिजनेस भी नहीं था तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा और बहुत ज़ाहिर सी बात है आपस में लोगों ने अपने टर्म्स कंडीशन को सेट किया होगा एग्रीमेंट साइन हुआ होगा वो सारी चीज़ें ज़रूर हुई होंगी और उसके बाद टाटा अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप एसोसिएशन कंपनी एक बनकर तैयार हुई तो जब कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में आती है वो चाहती है कि वहाँ के नागरिकों को समझाने में मुझे अगले दस साल ना लग जाए उन्हें बताने में मुझे अगले समय ना लगे तो वो वहाँ की नामी गिरामी कंपनियों के साथ अपने नाम को जोड़ लेते हैं और आसानी से उस देश में अपना बिजनेस करना शुरू कर देते हैं उस तरीके से वो अपने समय को बचाते हैं और पैसे को भी बचाते हैं क्योंकि वो वहाँ की प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ में अपने नाम को जोड़ते हैं सन लाइफ जैसी कंपनी ने बिरला के साथ में अपने नाम को जोड़ लिया स्टाब भी टाटा के साथ में आई सो इस तरीके से लोग अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं वहाँ की नामी गिरामी कंपनियों के साथ में उसे बोलते हैं स्ट्रैटेजिक अलाइंस आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अंतर क्या है किस में घरेलू बाजार में और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो अगर हम घरेलू बाज़ार की बात करें तो अगर हमारे ही देश के दायरे में व्यापार हो रहा है व्यवसाय हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं घरेलू बाज़ार और अगर हम सीमाएं पार करके दूसरे देश की तरफ जा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार सेवाकृत क्षेत्र क्या रहता है घरेलू बाज़ार का बहुत जाहिर सी बात है छोटा रहता है क्योंकि वो अपने देश के अंदर में ही है इंडिया में ही है और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने कितनी कंट्रीज़ हैं 195 कंट्रीज़ हैं तो विदेश में इतने सारा आपके पास में ऑप्शन है बहुत बड़ी मार्केट है आपके सामने सरकारी हस्तक्षेप अपे अगर हम अपेक्षा करें सरकारी हस्तक्षेप हर जगह होगा मगर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कंपनियां आपके देश में आती हैं तो सरकारी हस्तक्षेप क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, है? और घरेलू बाजार में सरकारी हस्तक्षेप कम रहता है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की अपेक्षा में व्यापार ऑपरेशन एक ही देश में रहता है आपका और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक एक से अधिक देशों में आपका व्यवसाय होता है प्रौद्योगिक का उपयोग यहाँ पर बहुत सीमित रहता है क्योंकि आपके देश के हिसाब से आपका प्रौद्योगिकीकरण होता है जब आप विदेश में जाते हैं तो आप नई से नई तकनीक का नई से नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं क्योंकि आपके वहाँ के जो उपभोक्ता है उनकी रिक्वायरमेंट दूसरी है वहाँ का जो रॉ मटीरियल है वो दूसरा है वो तकनीकें नई चाहिए उनको चलाने के लिए या उनको बनाने के लिए तो इसलिए आपको नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना पड़ता है जोखिम कारक वो घरेलू बाज़ार में कम रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत ज़्यादा रहते हैं पूंजी की आवश्यकता अगर हम कहें तो घरेलू बाज़ार में तुलनात्मक तो तरीके से कम रहती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज़्यादा आपको कैपिटल की आवश्यकता है क्योंकि विदेशी मुद्रा में इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ पर आप रुपये में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो विदेशी मुद्रा में जब इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी ग्राहकों की प्रकृति लगभग एक जैसी रहती है आपके देश के होता है क्योंकि आप उस देश में पले बड़े हैं आपके आपको उस देश की संस्कृति के बारे में पता है आप आप जानते हैं वहाँ के लोगों का क्या व्यवहार है क्या सोच है क्या समझ है क्या उनकी इच्छाएं हैं वह बहुत अच्छे से समझते हैं तो आपके ऊपर इतना उसका प्रभाव नहीं पड़ता जब आप विदेश में जाते हैं वहाँ के लोगों को आप नहीं जानते हैं वहाँ के लोगों को जानने के लिए आपको दूसरे व्यक्ति से समझ लेनी पड़ती है कि यहाँ के लोगों की क्या इच्छाएं हैं क्या चाहते हैं इसीलिए ये एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा बन जाता है समझना कि हमारे ग्राहकों की क्या प्रकृति है विदेश में इसके लिए हमें शोध करना पड़ता है आगे हम देखते हैं शोध करना आवश्यकता है लेकिन उच्च स्तर पर इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वहीं उसी देश के पले बड़े हैं तो आपके लिए शोध करना इतना उच्च स्तर पर जरूरी नहीं है मगर जब आप विदेशी बाज़ार में जाते हैं तो आपके लिए उच्च स्तरीय शोध करना बहुत जरूरी है ताकि आप उनकी नसों को समझ पाएँ कि उपभोक्ता की नस कहाँ पर अटकती है यानी क्या चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा पसंद आती है और यहाँ पर उसे अगर हमने दे दिया तो हमारी भी ख्याति यहाँ पर फैल सकती है तो ये दो बाज़ारों के बीच का अंतर है आइए समझते हैं कि वैश्विक बाज़ार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या अंतर है यानी कि ग्लोबल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में क्या अंतर है जब सबसे बड़ा अंतर यह आता है कि ग्लोबल मार्केट में हम अपने उत्पाद में कोई भी बदलाव नहीं करते भले ही हमारा देश कोई सा भी हो हम अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो हम अपने उत्पाद में कोई भी बदलाव नहीं लेकर आते एज़ इट इज़ वो सामान हम उस देश में बेचते हैं क्योंकि लोगों को उसकी ओरिजिनालिटी पसंद होती है या फिर वो एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है जैसे कि मान लीजिए हमारे देश में किसी को बुखार आता है तो पैरासिटामोल का सॉल्ट वो लेता है और अगर क्या विदेश में आता है बुखार तो क्या वो कोई और सॉल्ट लेता है बिल्कुल नहीं जाहिर सी बात है वो सेम सॉल्ट सबको लगता है यानी कि जो भी इंसान है अगर उसे बुखार आ रहा है तो वो पैरासिटामोल का सॉल्ट ले करके अपने बुखार को कम करता है वायरल फीवर आ रहा है तो तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि ये कैसी कंपनी हुई ये ग्लोबल कंपनी हुई फार्मास्यूटिकल कंपनीज हमारी ग्लोबल कंपनी हुई वैश्विक बाजार में रहती हैं इनके प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं आता ये अपने उत्पाद में कोई अंतर नहीं लेकर आते भले ही वो इंडिया में हो या अमेरिका में हो इनके प्रोडक्ट कॉमन रहते हैं माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी के प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर सौफ्ट्रे, सॉफ्टवेयर जैसी कंपनियाँ इनके उत्पाद एक जैसे रहते हैं समान रहते हैं देश दर देश आइए थोड़ा डिटेल और जान लेते हैं वैश्विक विपणन एक उत्पादन उत्पाद या सेवा के लिए विश्व विश्व बाजार के एकल विपणन रणनीति का अनुप्रयोग करते हैं अंतरराष्ट्रीय विपणन स्थानीय विपणन वातावरण में शीघ्र संकलन होकर विभिन्न देशों की संभावित बाज़ारों में कंपनी की पैठ की संदर्भित करता है यानी कि वो ये देखता है कि किस देश की क्या ज़रूरत है उस देश के हिसाब से अपने आप को ढालता है अगर वो इंडिया में आता है तो भारतीय बाजार के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है अगर वो नेपाल जाता है तो नेपाल के बाज़ार के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है अगर वो पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान के बाजार के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है ये हुआ अंतरराष्ट्रीय बाजार और जब हम अपने आप को दूसरे के हिसाब से ढालते नहीं हैं हम एक ऐसा उत्पाद तैयार करते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है तो हम वैश्विक बाजार में हैं उत्पाद या सेवा प्रस्ताव मानक उत्पाद या सेवा या अनुकूलित उत्पाद या सेवा यानी कि मानक एक जैसा समान रहता है पूरी दुनिया भर के लिए उसमें कुछ वो बदलाव नहीं करते विपणन के लोग कह रहते हैं कंपनी के मुख्य कार्यालय में कार्यरत क्रॉस संस्कृति विपणन कर्मी हमें ऐसे कर्मचारियों को अपने यहाँ पर नियुक्त करना पड़ता है जो कि दुनिया भर से होते हैं क्योंकि हमें लोगों से फीडबैक लेना पड़ता है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट हमें बनाना है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो पूरे विश्व में उसकी ज़रूरत हो तो ऐसी ऐसे उत्पाद की तैयारी के लिए हमें बहुत गहरा चिंतन और बहुत अनुसंधान करना पड़ता है जिससे हमें पता चल पाता है कि ऐसा कौन सा उत्पाद है जो बनाने से पूरे विश्व में उसकी उसकी ज़रूरत होगी आज नहीं तो कल होगी मगर बाजार के में हमें जरूरत नहीं पड़ती हमें पूरी दुनिया से लोगों को हायर करने की या नियुक्त करने की जरूरत नहीं पड़ती हम जिस देश में जाते हैं हम उसी देश के लोगों को नियुक्त करते हैं क्योंकि उस देश के लोग उस देश की जरूरतों के बारे में हमें बेहतर बता पाएंगे क्योंकि हम अपना सामान उस देश के हिसाब से बदल रहे हैं और ढाल रहे हैं यानी कि जब हम वैश्विक बाजार की बात करते हैं तो वहाँ पे अनुसंधान बहुत ज़्यादा होना है ए, इस अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अपेक्षा अभी हमने घरेलू बाज़ार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बीच में जब तुलना करी थी तब तो हमने देखा था घरेलू बाजार में अनुसंधान की कम जरूरत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अपेक्षा अब हम जाते हैं वैश्विक बाजार में तो वैश्विक बाजार में और ज़्यादा अनुसंधान की ज़रूरत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अपेक्षा क्यों क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक देश की बात नहीं हो रही यहाँ के पूरे के पूरे ग्लोब की बात हो रही है पूरी की पूरी दुनिया की बात हो रही है पूरे की दुनिया के लोगों की बात हो रही है तो हमें ज्यादा अनुसंधान करने की जरूरत है ताकि हम यह पता लगा पाएं कि एक ऐसा कौन सा उत्पाद तैयार करें जो कि पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट हो उनकी इच्छा हो उससे उन्हें संतुष्टि मिले और इंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम एक बाजार के बारे में बात करते हैं वो विदेशी बाजार एक कंट्री एक कंट्री कैसा सोचती है अगर हम इंडिया से मान लीजिए थाईलैंड जाते हैं तो थाईलैंड के लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है उनकी क्या सोच है अगर हम फिलीपींस जाते हैं तो वहां के लोगों की क्या सोच है सिर्फ हमारे इसी को लेकर के अनुसंधान का दायरा सिमटा हुआ रहता है ग्राहक बद्धता क्रम ग्राहक कम ग्राहक का जुड़ाव रहता है ग्राहक का बहुत ज्यादा अधिक जुड़ाव रहता है किसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, में। यानी वैश्विक बाजार में ग्राहक क्या आज चाहता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है हमें ये देखना है कि ग्राहक की या उपभोक्ता की आने वाले समय में क्या पीड़ा हो सकती है आने वाले समय में उसकी क्या इच्छाएं हो सकती हैं जैसे अगर हम स्पेस एक्स की बात करें लॉन मेस्के प्रोडक्ट की, की मार्क कंपनी की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि वो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं आने वाले समय में इस चीज़ों की आवश्यकता होगी आज की डेट में भले ही हमें लगता है कि ये क्या बना रहे हैं ये क्यों पैसा अपना ज़ाया कर रहे हैं क्यों ये इतनी कंपनी लॉस में चल रही है तो हम आज की में हमें ऐसा लगता है वो किसी काम का उत्पाद नहीं है मगर आने वाले समय में उसकी बहुत जरूरत होगी ऐसा लोग समझते हैं और ऐसा रिसर्चर भी कहते हैं तो हमें क्या देखना है कि जब ग्लोबल कंपनियों को ग्राहक की आज की संतुष्टि या आज की जरूरत से कोई सरोकार नहीं होता अगर हम वैश्विक बाजार में हैं क्योंकि ये फ्यूचर की मार्केट को देखते हैं आने वाले समय की मार्केट को देखते हैं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा हमारा ध्यान इस पर केंद्रित होता है कि हमारा ग्राहक क्या चाहता है और ग्राहक हक से हम बराबर से खबर लेते रहते हैं कि आपकी संतुष्टि किस में है अंतरराष्ट्रीय बाजार के कुछ नुकसान भी हैं एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं अलग अलग उपभोक्ता की अलग अलग रुचि है तो उस रुचि के हिसाब से बार बार अपना को ढालने में हमारे हमारे ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा आता है भाषा की एक बहुत बड़ी इशू आ जाता है अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में हिंदी के अलावा और भी तमाम अठारह ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं जिसमें लोग बोलते हैं तो लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है जब वो भारत जैसे देश में अपना विपणन करना चाहते हैं तो किस भाषा में विपणन किया जाए हिंदी में किया जाए तेलुगु में किया जाए मलयालम में किया जाए कन्नड़ में किया जाए तो एक बड़ी समस्या बन जाती है इसलिए आज की डेट में अगर हम देखें तो गूगल गूगल बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में हमारे सामने आ रहा है जिससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है और कंपनियाँ भी इस बात का बहुत फ़ायदा उठा रही हैं अनुसंधान और सूचना के भारी स्रोत पर निर्भर रहना बहुत हद तक हमें दूसरी कंपनी अगर हम दूसरे देश में जा रहे हैं तो वहाँ के देश के लोगों के जो अनुसंधान है या फिर उनके देश की जो स्टडी है उस पर हमें निर्भर रहना पड़ता है हमें सेकेंडरी डेटा पर निर्भर रहना पड़ता है अपनी डिसीजन लेने के लिए सरकारी प्रतिबंध बहुत सारे होते हैं सरकारी प्रतिबंध को भी हमें सामना करना पड़ता है आपके उत्पाद को स्वीकार ना करने की संभावना भी बहुत ज़्यादा हो सकती है कि आप इतनी मेहनत करें अनुसंधान करें दूसरे की के, के प्रतिबंध का भी सामना करें परमिशन लेके फिर भी आप अपना पे डालते हैं और बनाने के बाद हो सकता है कि आपका जो उत्पाद है वो वहां के उपभोक्ता को पसंद ही ना आए तो तब आप क्या करेंगे तो आपके लिए फिर से दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा अनुसंधान करना पड़ेगा वैश्विक वितरण चैनल निल... का, का सीमित ज्ञान होना यानी कि दूसरे देश का क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है कैसे आप वहाँ पर अपने सामान का वितरण करेंगे कैसे आप अल्टीमेट कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को उपलब्ध कराएंगे ये भी एक बहुत बड़ा आपके ऊपर चुनौती का सामना करना पड़ता है तो ये कुछ कमियाँ भी हैं कुछ नुकसान भी हैं इसके साथ साथ बहुत सारे फ़ायदे भी हैं हमें दोनों कि समझ अगर है नुकसान की और फायदों की तो हम एक अच्छी रणनीति तैयार कर सकते हैं कि कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक सफल व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं आशा करती हूँ आज का अध्याय आपको समझ में आया होगा आज के अध्याय में हमने अंतर्राष्ट्रीय विपणन प्रकृति क्षेत्र और उसके महत्व और उसके नुकसान और हमने अंतरों के बारे में जाना अधिक अध्ययन के लिए आप इन किताबों को भी चयन कर सकते हैं धन्यवाद